Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today our lecture is on subatomic physics, and the title of the lecture is Nuclear Radiation Detectors. Nuclear Radiation Detector पर lecture मैंने पहले भी आपको send किया है, लेकिन इसी lecture को मैंने complete record किया है एक ही video में, और इसमें वो चीज़ें जो हमने जो record जो explain नहीं की थी पीछे, उनको भी explain किया और थोड़ा सा इसको improve किया है. तो आप लोग ये कंप्लीट भी है और इम्प्रूव्ड भी है, सो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है और ध्यान से सुनना है. सबसे पहले हमने बात करनी है रेडिएशन डिटेक्टर्स पर कि रेडिएशन डिटेक्टर्स होते क्या हैं. एक्चुअली जब बेटे रेडिएशन कहीं भी किसी भी सोर्स से आती हैं, तो देखो अगर हमें पता ही नहीं रेडिएशन किधर से आ रही हैं, और ये रेडिएशन डिटेक्टर्स हमें ये न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं, मतलब जो किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स. इनका इस्तेमाल और इनका इनका यूज और फिर इनको अप्लाई करना और इनको टाइम टू टाइम हर जगह पर इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि जो रेडिएक्टिव रेडिएशन हैं वो हमें नज़र नहीं आती और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होकर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की उनमें डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, कैंसरियस सेल पैदा हो जाते हैं. तो इनका इन चीज़ों से बचने के लिए हमें रेडिएशन को डिटेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रेडिएशन मौजूद हैं. ये पता होगा तो फिर हम अवॉइड करेंगे उन इलाकों में उन जगहों पे जाने से, या एटलीस्ट हम उन जगहों से दूर जाएंगे अगर वहाँ पर रेडिएशन मौजूद है. रेडिएशन जो है ये इनके सोर्स डिफरेंट हैं, मतलब होता तो न्यूक्लियर डिके से रेडिएशन क्रिएट होती हैं, या फिर ये कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज जो हैं ये बड़ी बॉडीज जैसे सन स्टार्स गैलेक्सीज इनकी तरफ से आए हुए रेडिएशन जो हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से आ रही हैं वो भी ज़मीन तक एटमोसफेयर के जरिए पहुँचती हैं, वो भी उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो सकती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. फिर इसके अलावा रेडिएशन जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं, जब उनमें पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो उन एक्सेलरेटर से निकलने वाले पार्टिकल की एनर्जी को मेजर करना काउंट करना ये भी ज़रूरी होता है. आप देखें बेटे आप लोग समझेंगे कि जो रेडिएशन हैं रेडिएक्टिव रेडिएशन, अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो ये पार्टिकल ही होते हैं, ये पार्टिकुलेट रेडिएशन है, और पार्टिकुलेट रेडिएशन की अगर ये डिटेक्शन कर सकते हैं डिटेक्टर, तो फिर एक्सेलरेटर से निकलने वाले पार्टिकल की भी तो डिटेक्शन कर सकेंगे. लिहाजा एक्सेलरेटर के से निकलने वाले पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो भी इनसे डिटेक्ट हो जाती है, मेजर हो जाती है एज वेल एज कॉस्मिक रेडिएशन या किसी भी न्यूक्लियर डिके से जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है. ये तमाम सोर्सेस के लिए डिटेक्टर्स को न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये वो डिवाइसेस हैं या वो इंस्ट्रूमेंट हैं दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द हाई एनर्जी पार्टिकल या रेज विच आर एमिटेड बाय न्यूक्लियर डिके कॉस्मिक रेडिएशंस और एनी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स. जो शुरू में एक्सेलरेटर समझे लिए जाते थे ना, वो पार्टिकल डिटेक्टर्स जिन जो हम इस्तेमाल होते आ रहे थे वो थे फोटोग्राफिक प्लेट्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत एडवांस डिटेक्टर आ गए इसलिए उनकी इतनी वेटेज या बर्थ या उनका यूज नहीं रहा, लेकिन शुरू में फोटोग्राफिक प्लेट को इस्तेमाल किया जाता था और फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर फॉगिंग प्रोड्यूस हो जाती थी तो उनकी फॉगिंग इंटेंसिटी फॉगिंग की अमाउंट और उसके ट्रैक को देखकर पता चलता था कि यहाँ पर डिटेक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पर रेडिएशन मौजूद हैं और रेडिएशन का पता चल जाता था. रेडिएशन डिटेक्टर्स की डिटेल को में जाने से पहले हम यहाँ देखेंगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस. पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी एक अच्छा डिटेक्टर सेंसिटिव होना चाहिए. सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि वो लो लेवल लो इंटेंसिटी के रेडिएशन को भी डिटेक्ट कर सके. तो अगर कोई भी डिटेक्टर लो इंटेंसिटी के रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है इट मींस वो मोर सेंसिटिव है. सो अ गुड डिटेक्टर मस्ट बी सेंसिटिव एंड अ गुड डिटेक्टर मस्ट हैव अ गुड सेंसिटिविटी, यानी लो एनर्जी की लो इंटेंसिटी की रेडिएशन को डिटेक्ट करना ये भी डिटेक्टर की एक करैक्टरिस्टिक है और उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं. सेकंड है ऑपरेटिंग वोल्टेज. ऑपरेटिंग वोल्टेज असल में ये वो वोल्टेज है जिस पे कोई भी डिटेक्टर ऑपरेट करता है. आप ये जान सब याद रखेंगे कि कोई भी डिटेक्टर जो है ये वोल्टेज के बगैर वर्क नहीं करता, उसे वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है.
ये कह लें कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको एनर्जी, इनको करंट मिलेगा तो ये ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पर ये भी होता है कि जो खास किस्म के डिटेक्टर हैं, जैसे गैस डिटेक्टर है, गैस फील्ड डिटेक्टर, उनको अगर ना भी आप लोग वोल्टेज अप्लाई करें तो ऑपरेट करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट या बेहतर रिजल्ट्स के लिए या उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें वोल्टेज देना पड़ता है। तो वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे वो ऑपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज। लेकिन ये वोल्टेज जो दिया जाता, सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर, ऑपरेटिंग वोल्टेज। थर्ड हम कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये वोल्टेज जो हम देते हैं, ये वोल्टेज ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, लेकिन एक खास हद तक बढ़ेगी, फिर एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहती, कुछ डिटेक्टर में ऐसा भी होता है। तो ये वोल्टेज आमतौर पर एक रेंज ऑफ डिटेक्टर जो है, ये रेंज ऑफ वोल्टेज पर वर्क करते हैं। तो वो जो रेंज या रीजन ऑफ वोल्टेज है वो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि कितने वोल्टेज तक ये काम करते हैं। सो आप जब भी डिटेक्टर को इस्तेमाल में लाओगे तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक को लाजमी आपको देखना होगा कि वो सेंसिटिव हैं, उनका वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है और उसका रीजन क्या है, और साथ साथ जिन रेडिएशन को ये डिटेक्ट करते हैं उनकी रेंज क्या है, कितने इंटेंसिटी से या एनर्जी से, कितनी इंटेंसिटी या एनर्जी की रेडिएशन वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ये उनकी रेंज है। सो रेडिएशन डिटेक्टर की रेडिएशन डिटेक्शन रेंज जो है, ये भी डिटेक्टर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एंड व्हाइल यूजिंग और वर्किंग ऑन डिटेक्टर वी मस्ट नो द रेडिएशन डिटेक्शन रेंज। थर्ड नेक्स्ट है डेड टाइम। डेड टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटेक्टर। डेड टाइम असल में वो टाइम है ये जब रेडिएशन फॉल करती हैं और जब रेडिएशन डिटेक्टर मेजर करता है, तो इनके दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम डेड टाइम कहते हैं। और जितना ये शॉर्ट टाइम होगा उतना ही डिटेक्टर अच्छा होगा। आप देखो ना, आप किसी खतरनाक एरिया में मौजूद हो, वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा है, आप डिटेक्टर को रखो वहाँ पर, वो मेजर करते करते टाइम लगा दे, तो उसका डेड टाइम तो बहुत ज़्यादा होगा, उतनी देर तक वैसे ही नुकसान पहुँच जाए। तो जितना एफिशिएंट डिटेक्टर जो होता है उसका डेड टाइम हमेशा कम होता है। सो लेस डेड टाइम इज अ गुड कैरेक्टरिस्टिक। लाइफ टाइम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, और लाइफ टाइम तो हर डिटेक्टर का ज़्यादा होना चाहिए कि वो कितनी देर तक चलता है। तो बेटे, जब भी आप लोग डिटेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आप लोग को ये जो कैरेक्टरिस्टिक है छः, इनको जहन में रखना होगा। यानी अच्छा सेंसिटिव होना चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका कम से कम होना चाहिए, सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होना चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, डिटेक्शन रेंज जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए, डेड टाइम कम होना चाहिए, लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। Now we will move toward the application of detector. Application of detector में अगर हम देखें तो पहली है environmental safety. Environmental safety जो है ये detector जो है उसको जब apply करते हैं, हम environment को save करते हैं। मतलब ये कि अगर कहीं भी radioactive radiation है तो ये ऐसा नहीं है कि उनको ख़त्म कर देगा, बल्कि ये उन एरियाज में, उस इन्वायरमेंट में ये रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, और हम फिर समझेंगे कि अगर यहाँ पर रेडिएशन मौजूद हैं तो हम उनके सोर्स को ढूंढ के उसको कम करने की, मिनिमाइज करने की या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो इन्वायरमेंट पर इन्वायरमेंट को बेहतर करने में डिटेक्टर का रोल है। आप लोगों को अगर इन्वायरमेंट में पता ही नहीं रेडिएशन है या नहीं, तो आप उसको कैसे उसको रोकने का या उससे बचने का या उसको ख़त्म करने का इंतजाम करेंगे? तो डिटेक्टर से पहले हमें पता चलेगा तो फिर हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर में इस भी एक इसकी एप्लीकेशन है कि वर्कर जो एटॉमिक पावर प्लांट्स पर या उन इलाकों में काम करते हैं जहां पर रेडिएशन ज़्यादा है, एक लेवल से ज़्यादा है जो ह्यूमन लेवल जितनी रेजिस्ट कर सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है उससे ज़्यादा है, तो उन इलाकों में वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टर बहुत ज़रूरी है। और वर्कर्स को ये छोटे माइक्रो डिटेक्टर दिए जाते हैं जो अपने बैज की तरह लगा लेते हैं और हर वक्त उन्हें उस इलाके में जो रेडिएशन है उनकी वैल्यू का पता चलता रहता है, और फिर उस हिसाब से वो अपने आप को बचा के रखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेडियोएक्टिव एसोटोप की कैलिब्रेशन। तो रेडियोएक्टिव एसोटोप जो प्रोड्यूस होते हैं, जो मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव एसोटोप्स हैं, हम उनकी कैलिब्रेशन अगर करना चाहें कि वो उनके अंदर कितनी एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उनको कितनी रेडिएशन एमिट करते हैं कितने लेवल की, तो उनका वो लेवल उनका
क्लियर करने के लिए हम रेडिएशन डिटेक्टर जो है ये इस्तेमाल करते हैं। रेडिएक्टिव आइसोटोप में कि इस तरह एग्जैक्ट कैलिब्रेशन हो जाती है, फिर हम उनको जिस जिस पर्पस के लिए हमें जोन सा आइसोटोप चाहिए होगा हम आसानी से चूज कर सकते हैं। पार रेगुलेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पार रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। बहुत आसान है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप लोग फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर फ्यूल की मकदार ज़्यादा है या कम है, कम हो रही है, तो आप रेडिएशन का लेवल भी लो होता जाएगा, तो डिटेक्टर से हमें पता चल जाएगा रेडिएशन लेवल का, रेडिएशन का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब फ्यूल कम हो रहा है, तो हम उसको मेंटेन करें ताकि पावर जो है रेगुलेट रहे। तो आप इस तरीके से पावर प्लांट में भी इनको इस्तेमाल करके जो उसकी पावर रेगुलेशन है उनको मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आप कितनी पावर आपको चाहिए और उस उससे वो उनकी जो डिके है उससे पता चलेगा, और डिके से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो डिटेक्टर करेगा। इसके अलावा रिसर्च में, अपनी रिसर्च के में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च में ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात रिसर्च में हमारे पास हम कोई नया किसी नए न्यूक्लियस की कन्वर्जन पर काम कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं, या कोई नया रिएक्शन कराना चाहते हैं या रिएक्शन कम्प्लीट कराना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, कितनी एनर्जी देनी है, या कोई आइसोटोप नया बनाया तो उसकी एनर्जी वो कितनी उसके अंदर से एमिट हो रही है एनर्जी की रेडिएशन, तो इन तमाम चीज़ों को मेजर करने के लिए डिटेक्टर का इस्तेमाल होगा। सो रिसर्च में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। इसके अलावा आप लोग अगर पेशेंट जो है उसको उसके ट्रीटमेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट डोज की एस्टिमेशन कर सकते हैं, एक पेशेंट जो है अगर कैंसर पेशेंट है तो आप उसके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशन फॉल करनी है तो कितनी एनर्जी की रेडिएशन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, वो आप उसकी मेजरमेंट जो है वो किससे करेंगे, डिटेक्टर से। क्योंकि अगर रेडिएशन की अगर डोज ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को ये उसके एस्टिमेशन के लिए डिटेक्टर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन थी डिटेक्टर की। आप लोग को एप्लीकेशन का भी पता होना चाहिए, और जब डिटेक्टर आप लोग कहीं भी इस्तेमाल में लाते हो तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स का भी आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द आयनाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन क्रिएट बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। एक न्यूक्लियर रेडिएशन जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस क्रिएट कैसे करते हैं, ये तो हमने सुना है ना कि जी रेडिएशन कहीं फॉल होंगी तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन कितनी प्रोड्यूस कर सकता है न्यूक्लियर, इसकी थोड़ी सी एस्टिमेशन इस आर्टिकल में आपको बताने की कोशिश की गई है। आयनाइजेशन होता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी बहुत कम होती है, वो तकरीबन एवरेज अगर हम एनर्जी देखें बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जबकि आप लोग किसी न्यूक्लियर डिके से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, एक सिंगल न्यूक्लियर डिके से 1 MeV एनर्जी की रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, तो अगर वही एक सिंगल डिके की रेडिएशन अगर फॉल करें किसी मटीरियल पर, तो उसमें कितने एटम, कितने एटम जो है वो आयनाइज होंगे, आप ये देख लें कि 1 MeV 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम इससे देखें तो तकरीबन 10^5 आइटम जो है वो आयोनाइज होंगे और 10^5 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट होंगे, जिससे तकरीबन 10^14 कूलम चार्ज पैदा होगा। तो एक सिंगल डिके से पैदा होने वाली आयनाइजेशन इतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन न्यूक्लियर डिके से आयनाइजेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ये इसमें हमें कुछ चीज़ों का पता चल रहा है। हमारा टॉपिक था डिटेक्टर्स, तो यहाँ पर हम डिटेक्टर की टाइप पर फोकस करेंगे कि टोटल डिटेक्टर्स कितने टाइप के हैं, हम उनको ज़रा देखेंगे। तो टोटल टाइप्स की तरफ आए तो 3 किस्म के मेन टाइप हैं डिटेक्टर्स की। आप सर आ जाएं, बैठें, पंखा भी चला लें, बैठें। टोटल डिटेक्टर की 3 टाइप हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर है, फिर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और चार्ज कपल डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर को हम यहाँ पर ये सारे डिटेक्टर्स को वन बाय वन तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम जो मेन टाइप हैं इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गैस फील्ड डिटेक्टर्स को पढ़ना है। तो गैस फील्ड डिटेक्टर्स का अगर देखें तो 3 टाइप, आयनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर और GM काउंटर। ये तीनों का प्रिंसिपल, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इन डिटेक्टर्स की, तमाम डिटेक्टर जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको आप लोग समझ लें। सब प्रिंसिपल इसका यह है कि जब भी हम इसको उन जगहों पर डिटेक्टर को रखते हैं जहाँ पर रेडिएशन, रेडियोएक्टिव रेज मौजूद हैं,
तो रेडिएशन जो है वो एंटर होंगी डिटेक्टर के अंदर और एनर्जी डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि रेडिएशन में एनर्जी है और एनर्जी उस मीडियम जो मीडियम डिटेक्टर के अंदर है उसको डिपॉजिट देंगे। उस एनर्जी डिपोजिशन से आयनाइजेशन क्रिएट होगी या फिर सेंटिलेशन, यानी एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़ सकते हैं जिसके नतीजे में आयनाइजेशन होगी, या फिर एटम जो है वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्साइड और डीऑक्साइड होंगे तो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी जो विजिबल होंगी, यानी सेंटिलेशन भी हो सकती है, आयनाइजेशन भी हो सकती है और सेंटिलेशन भी। इस आयनाइजेशन सेंटिलेशन को हम इलेक्ट्रिक करंट या पल्सेस में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि ये पल्सेस वीक होती हैं लिहाजा इसको हम एम्पलीफाई करेंगे, लिहाजा करंट को या पल्स को एम्पलीफाई किया जाता है और फिर एम्पलीफाइड पल्स या करंट को पल्सेस को काउंट किया जाता है और जो करंट है उसको एनर्जी या फिर आप डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से उसे डिजिट्स में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं, और इस तरह हमें वही एनर्जी वही रेडिएशन जो एंटर हो रही थी जिनके अंदर एनर्जी थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिट की शक्ल में और हमें वो डिस्प्ले नजर आएगा या एनर्जी स्पेक्ट्रम नजर आएगा। गैस फील्ड डिटेक्टर जो है तीन किस्म के मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर है, गिगर-मुलर काउंटर है। इन तमाम की का प्रिंसिपल तो वही जो हमने अभी बात की है वही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी इनकी सेम है और वर्किंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो मेन चैम्बर है सिलेंड्रिकल चैम्बर और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, वोल्टेज देंगे और फिर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको मेजर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सर्किट है उसमें दो चीजें हैं, वोल्टेज सोर्स है जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, सर का पंखा चलाता जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और दूसरा है एमीटर या फिर कोई भी सेंसिटिव मेयरिंग इलेक्ट्रिक करंट मेयरिंग डिवाइस है जो करंट को मेयर करता है। तो इन दोनों चीज़ों से हम रेडिएशन ये इसका मुकम्मल जो है ये वर्किंग होगी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन आपको जैसे लेफ्ट साइड पे ये फिगर नज़र आ रही है इसमें देखेंगे तो नीचे पावर सप्लाई है जिसमें दो चीज़ें हैं, वोल्टेज भी यहाँ से सप्लाई होगा और जो मीटर आपको नज़र आ रहा है इससे हम मेजरमेंट भी करेंगे जितना जितना करंट प्रोड्यूस होगा, यानी एनर्जी जो है जब उसको इलेक्ट्रिक करंट में मेजर कन्वर्ट करेंगे तो जितना करंट प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र भी आएगा। और एक चीज़ है जो दूसरी सॉरी चीज़ है वो है ये सिलेंड्रिकल चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर गैस भरी जाती है और इसमें इसको इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड को फिर बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं ये जो राइट साइड पे फिगर इसको अगर आप लोग देखें तो ये सिलेंड्रिकल चैम्बर है, इसके जो सरफस है सर्कुलर सरफस वो सारी की सारी उसको कैथोड के तौर पर यूज किया जाता है, यानी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया जाता है इसके तो इस सरफस के साथ सिलेंड्रिकल सरफस के साथ, और जो एक्सियल वायर है यानी जो इस सिलेंडर का एक्सिस है वहां पर वायर मौजूद है उसको हम एनोड के तौर पे उस इलेक्ट्रोड को एनोड के तौर पे लेते हैं, और इसकी बैक से अगर आप लोग देखें तो ये रेडिएक्टिव सोर्स मौजूद है रेडिएशन सोर्स और वो रेडिएशन एंटर हो रही है, बैक को हम विंडो के तौर पर यूज करते हैं और ये विंडो जो है ये माइका ग्लास की होती है, बहुत थिन विंडो होती है, इतनी थिन कि इसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इजीली पास कर जाती है, लेकिन रेडिएशन पास होंगी बट गैस जो सिलेंडर के अंदर चैम्बर के अंदर मौजूद है वो लीक नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है, यानी ये चैम्बर के अंदर रेडिएशन एंटर होंगी और इस तरह सारा सिस्टम चलेगा। अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, लेकिन आम तौर पर जो गैस इसमें इंक्लोज की जाती है वो गैस या तो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है या मीथेन और आर्गन का मिक्सचर होता है या फिर एयर को इस्तेमाल में लाते हैं। असल में करना क्या होता है इस एयर इस गैस का काम क्या है, इस गैस काम यह है कि जो ही रेडिएशन एंटर होंगी इसने आयोनाइज होना है, तो अच्छी एबिलिटी जो आयोनाइजेशन की रखेगी हम उसको यूज़ करेंगे और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है आमतौर पर वो 20 वोल्टेज होता है, यानी इसका स्टार्टिंग वोल्टेज 20 वोल्ट है। और इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, वर्किंग बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोगों कंस्ट्रक्शन में वर्किंग का कुछ आइडिया होगा हो गया होगा, ये रेडिएशन सोर्स है जहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी, ये आप लोगों को पता है ये सिंबल भी ऊपर बना हुआ है जो ये रेडियोएक्टिविटी का सिंबल है, यहाँ से रेडिएशन एमिट होंगी और विंडो के जरिए एंटर होंगी चैम्बर के अंदर, चैम्बर में गैस है जो ही रेडिएशन एंटर होंगी वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगी। यहाँ चूंकि हमने सराउंडिंग सर्कुलर सरफेस को नेगेटिव टर्मिनल कैथोड और एक्सियल वायर को हमने एनोड के तौर पे
वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है, सो जो ही आयन क्रिएट होंगे इन आयन्स इलेक्ट्रॉन और आयन के पेयर जनरेट होंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेंगे, और जब अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट ये सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल करंट मेयरिंग डिवाइस को मेयर कर लेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी की रेडिएशन, हम फिर लेट कर लेते हैं ना, इतनी एनर्जी को इतने करंट के साथ, तो फिर करंट से पता चल जाता है कि कितनी, इसको कैलिब्रेट कर लिया जाता है, और फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी से रेडिएशन की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। तो इस तरह वर्किंग होती है। ये आगे उसी वर्किंग को एक्सप्लेन किया है। नीचे अगर आप फिगर देखें तो ये गैमा रेडिएशन एंटर हो रही है चैम्बर के अंदर, और जहाँ जहाँ से ये पास होंगी वहाँ आयनाइजेशन क्रिएट करेंगी, लेकिन ये नीचे वाली गैमा रेज जो है ये चैम्बर से बाहर भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब यह है कि गैमा रेडिएशन एयर में आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। एनी हो, ये वर्किंग सारी वही है जो मैंने आपको बताई है। अब मसला आता है जो ये लास्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि हमने ये देखा है कि गैस फील्ड डिटेक्टर जो है ये तीन किस्म के हैं, आयनाइजेशन चैम्बर है, फिर प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर। इन तीनों का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक है, लेकिन डिफरेंस जो है ना इन तीनों में वो ये होगा कि एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज का डिफरेंस होगा। यानी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज, वैसे वैसे लो वोल्टेज पर आयनाइजेशन चैम्बर है वर्क ऑपरेट करता है, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर, और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो गीगर मुलर काउंटर जो है वो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, और हम उस वोल्टेज पर जो हमारा ये डिटेक्टर होगा उसको हम गीगर मुलर काउंटर कहेंगे। तो सिर्फ वोल्टेज की चेंज से ये गैस फील्ड डिटेक्टर की जो टाइप है वो चेंज होती जाती है। सो हमने वर्किंग कंस्ट्रक्शन को तो देख लिया। अब वोल्टेज की चेंज से कैसे चेंज आती है अंदर गैस के अंदर, आयंस की प्रोडक्शन की चेंज और फिर उनकी डिटेक्शन में चेंज कैसे आती है, ये कुछ तो ये ग्राफ से बताया जा रहा है। मैं आगे इन्हीं रीजन को एक्सप्लेन किया। अगर आप देखें तो ये छह रीजन बन रहे हैं। अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें, नंबर ऑफ आयन पेयर जो कलेक्ट होते हैं, मतलब जब रेडिएशन एंटर होती है चैम्बर के अंदर तो जो आयन पेयर जनरेट होते हैं और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाके कलेक्ट होते हैं, और उनको जो हमारा सेंसिटिव वो मेयरिंग इलेक्ट्रिक करंट मेयरिंग डिवाइस होता है वो उनको जो मेजर करता है, सेंस करता है, उस हम करंट को उनको हम उन पेयर्स को ले रहे हैं वाई एक्सिस पर, और जो वोल्टेज हम अप्लाइड वोल्टेज उसको हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वो हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। तो इन दोनों के ग्राफ दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सी कर्व हमारे सामने आते हैं, उनको हम देखते हैं। अगर देखें तो हम इस कर्व को छह रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला है रिकॉम्बिनेशन रीजन, ये पहला है रिकॉम्बिनेशन रीजन, ये पहली डॉटेड लाइन से पहले रिकॉम्बिनेशन रीजन है। जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाता है आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, यानी जो आयनाइजेशन चैम्बर है गैस फील्ड डिटेक्टर की पहली टाइप वो इस रीजन में वर्क करेगी। इतना वोल्टेज ये उसकी वोल्टेज रेंज है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो वो आयनाइजेशन चैम्बर रीजन इसमें वो ऑपरेट करता है। अगर हम इसे वोल्टेज बढ़ा दें तो आयनाइजेशन चैम्बर रीजन जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी। सो वी विल रिप्लेस दैट डिटेक्टर बाय प्रोपोर्शनल काउंटर। तो ये प्रोपोर्शनल काउंटर का रीजन है जिसे प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। थर्ड वन इज प्रोपोर्शनल रीजन, और प्रोपोर्शनल रीजन की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। सो प्रोपोर्शनल काउंटर जो है ये ज़्यादा बेहतर है, इसकी रेंज ज़्यादा है, यानी वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी मेजरमेंट ये ठीक कर रहा है। इसके बाद चौथी जो रेंज है वो है लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रेंज। वो रीजन लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन है, लेकिन इसकी रेंज जो है ये फोर्थ रीजन है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं मजीद इंक्रीज करेंगे तो गीगर मुलर रीजन में चला जाएगा, यानी जो गीगर मुलर काउंटर है वो यहाँ पर ऑपरेट करता है, और अगर हम वोल्टेज इससे ऊपर जितना मर्जी बढ़ा दें वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन आएगा। तो ये छह रीजन है, इनको हम देखेंगे ये रीजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं और ये कर्व कैसे बनते हैं, और फिर जो हमारे तीन किस्म के काउंटर्स हैं गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। आप लोग इसकी डिटेल में जाने से पहले इतना आप लोग समझ लेंगे कि अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी इसमें जो कर्व हैं, जो कर्व प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कोई भी
जो डिटेक्टर है हमें रिजल्ट देगा वो रिलायबल नहीं होगा. सो जैसे जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं कर्व में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब या तो वो लीनियर हो मुसलसल या फिर मुसलसल उसमें प्रोपोर्शनैलिटी हो, तो फिर हम वो सही डिटेक्ट करेगा, रिजल्ट हमें एक्यूरेट देगा, रिलायबल देगा. अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है तो फिर वो डिटेक्शन नहीं सही करेगा, लिहाजा वो रिलायबल नहीं होगा. सो हम उस रीजन में डिटेक्टर को यूज नहीं कर सकते. तो अगर आप लोग देखें ये पहला रीजन जो है रिकॉम्बिनेशन रीजन है, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ना तो ये लीनियर कर्व है यहाँ पर ना प्रोपोर्शनल है, बल्कि कर्व में वेरिएशन आ रही है. सो इस वेरिएशन की वजह से रिकॉम्बिनेशन रीजन में कोई भी डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट प्रॉपर नहीं करता, या ये कह लें कि ऑपरेट करेगा लेकिन रिजल्ट रिलायबल नहीं देगा. तो रिलायबल रिजल्ट के लिए हम रिकॉम्बिनेशन रीजन को इग्नोर करते हैं. हम आयनाइजेशन चैम्बर जो है यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर रीजन में जो हमारा आयनाइजेशन चैम्बर डिटेक्टर है वो हम यहाँ पर लगाते हैं, इतना वोल्टेज उसे देते हैं. तो आप याद रखें 6 रीजन में 3 रीजन तो हमारे काम के नहीं है, लेकिन बाकी 3 रीजन जो हैं वहाँ पर हम वही 3 डिटेक्टर जिनकी मैंने बात की है वो इस्तेमाल करते हैं. मसलन रिकॉम्बिनेशन रीजन, ये इसमें हम कोई डिटेक्टर इस वोल्टेज रेंज में नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे रेडिएशन की वजह से पैदा करदा नहीं है, बल्कि जो रेडिएशन आयन पैदा किए हैं प्रोड्यूस किए हैं वो सारे के सारे डिटेक्ट नहीं हो रहे, या तो या बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये रिलायबल नहीं रीजन. दूसरा रीजन रिलायबल है, यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर हम डिटेक्टर वो लगाएंगे. तीसरा रीजन भी रिलायबल है बिकॉज इट इज़ अ प्रोपोर्शनल, सो वी विल यूज प्रोपोर्शनल काउंटर फॉर दैट रीजन. एंड नेक्स्ट रीजन इज लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, दिस रीजन इज ऑल्सो नॉट रिलायबल बिकॉज जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उनके अलावा और भी कई अंदर आयन शामिल हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट आयन डिटेक्ट नहीं होते, बल्कि एग्जैक्ट आयन से डिफरेंट रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से हम यहाँ भी डिटेक्टर नहीं लगा सकते. और नेक्स्ट विगरमुल्लर रीजन में भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है डिटेक्टर्स आयन्स की, इसलिए हम यहाँ पर विगरमुल्लर काउंटर, इससे बाद भी वैल्यू जो है वो ठीक नहीं होती जिसकी वजह से रिलायबल नहीं होती, यहाँ पर भी काउंटर यूज नहीं होते. सो हम इन 6 रीजन में से 3 में डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं और 3 में नहीं करते. अब इनकी वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं डिटेल. सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन की, इसमें क्या होता है रिकॉम्बिनेशन रीजन. जब हम जो गैस हमारा गैस फील्ड चैम्बर है उसको हम जब किसी भी उस जगह पर रखते हैं जहां पर रेडिएशन मौजूद है और रेडिएशन विंडो के जरिए एंटर हो रही है, तो क्या होगा, वोल्टेज चूंकि बहुत कम है लिहाजा जो ही गैस रेडिएशन एंटर होंगी तो उन्होंने आयनाइजेशन प्रोड्यूस करनी है. वोल्टेज कम होने की वजह से उन आयन को जो इलेक्ट्रोड हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा बहुत थोड़े आयन जो हैं वो इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं और ज़्यादातर जो आयन्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी आयन रेडिएशन के पास होने से इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गए, आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुई और उसके थोड़ी देर बाद ही आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा आयन से मिलकर रिकम्बाइन हो गए. तो बहुत थोड़े आयन जो हैं वो पहुँचेंगे अपने इलेक्ट्रोड पर, ज्यादातर रिकम्बाइन हो जाएंगे, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेशन रीजन कहते हैं. अब आप देखें यहाँ पता चल रहा है कि इतने कम वोल्टेज पर जितने आयन प्रोड्यूस हो रहे थे वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंचे और ना डिटेक्ट हुए हैं, इसलिए हम इस रीजन को रिलायबल नहीं कहते. सो वी विल नॉट एबल टू यूज एनी टाइप ऑफ डिटेक्टर इन दिस रीजन. सो ये पहला रिकॉम्बिनेशन रीजन है. तो हम फिर यहाँ पर डिटेक्टर नहीं यूज करते, हम आते हैं दूसरे रीजन में जहाँ पर डिटेक्टर यूज करते हैं. क्यों करते हैं जरा आप लोग समझेंगे. सेकेंड जो रीजन है, इसलिए मैंने ये सारों को डिटेल से लिखा हुआ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन रीजन यही बातें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी मैंने इसमें लिखी हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब रिकॉम्बिनेशन रीजन में हम जाते हैं तो रिकॉम्बिनेशन रीजन का ये होता है कि जो एटम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, शुरू में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ज़ाहिर वोल्टेज कम है तो जो आयन प्रोड्यूस होंगे दोबारा इलेक्ट्रॉन आयन से मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा. लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रिकॉम्बिनेशन कम होता 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 जिस रीजन पे जाके जीरो होता है वहां पर उस रीजन उस लिमिट को कहते हैं सैचुरेशन. सो जब सैचुरेशन अटेन हो जाती है तो उस सैचुरेशन से पहले पहले वाला सारे का सारा रीजन रिकॉम्बिनेशन रीजन है. और इसके बाद हम आते हैं दूसरे, और सैचुरेशन के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है वो आयनाइजेशन रीजन है, जहां पर वो आयनाइजेशन चैम्बर हम इस्तेमाल करते हैं. ये वो रीजन
अच्छा बेटे, जहां पर सैचुरेशन हो चुकी है वहां तक रिकॉम्बिनेशन रीजन है। सैचुरेशन के बाद आयनाइजेशन रीजन स्टार्ट होता है जहां पर हम आयनाइजेशन चैम्बर इस्तेमाल करते हैं। असल में इस रीजन में जो आयन्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, एग्जैक्ट डिटेक्ट होते हैं, जितने प्रोड्यूस हुए उतने डिटेक्ट हुए, तो फिर ये फिर लायबल हुआ ना रीजन, इसलिए हम इस रीजन में डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डिटेक्टर आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन रीजन में इस्तेमाल होने वाला डिटेक्टर है आयनाइजेशन चैम्बर। असल में इस रीजन में होता क्या, क्यों एग्जैक्ट मेजर होते हैं, वजह ये होती है कि जो ही गैस रेडियक्टिव रेडिएशन चैम्बर के अंदर एंटर होंगी उन्हें आयनाइजेशन क्रिएट करनी है, और आयनाइजेशन की क्रिएशन से वोल्टेज इतना दिया जा रहा है कि वो आयन अब आपस में मिल नहीं सकते बल्कि दूर हटते जाएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे, और जो ही इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे उन्हें वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो जितने आयन प्रोड्यूस हो रहे थे उतने ही डिटेक्ट हो रहे हैं, और ये इस वोल्टेज को इस रीजन में जो वोल्टेज है वो एग्जैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है आयन्स को, हम इसको कहते हैं आयनाइजेशन रीजन और आयनाइजेशन चैम्बर। इन आयन्स को, इन आयन्स के लिए हम आयनाइजेशन चैम्बर इस्तेमाल करते हैं। असल में अगर आप लोग ये ग्राफ देखें ना तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट हो गया, मतलब आप वोल्टेज बढ़ाते भी हैं ना तो आयन नहीं बढ़ेंगे, पहले रिकॉम्बिनेशन में आयन बढ़ते जा रहे हैं, वो वजह आपको पता चल गई ना, ये बड़ी जरूरी है समझना। वोल्टेज बढ़ाने से जो आयन है वो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं पहले रिकॉम्बिनेशन ज्यादा था बाद में कम होता गया और डिटेक्शन ज्यादा होती गई, लिहाजा ये बढ़ेंगे। जो आयनाइजेशन रीजन है उसमें नहीं बढ़ रहे, उसमें ना बढ़ने की वजह यह है कि वोल्टेज आप बढ़ाते हैं जो रेडिएशन से जो आयन प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे एग्जैक्टली अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे, तो फिर बढ़ेंगे कैसे, फिर तो बढ़ नहीं सकते, लिहाजा वोल्टेज इंक्रीज करने के बावजूद भी आयन्स नहीं बढ़ेंगे, आयन्स एक्चुअल जो होंगे वही होंगे, यानी वोल्टेज की वजह से नए आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे अपने तौर पर। इसके बाद आ जाता है रीजन प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन में ये होता है कि हम वोल्टेज हमने ज्यादा कर दिया, अब क्या होगा, अब जो आयन है वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ आराम से नहीं जाएंगे बल्कि दौड़ेंगे, एंड दे विल गेट सम काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी से ये जाते हुए गैस को खुद आयोनाइज करेंगे, लिहाजा सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस होंगे। ये बहुत अहम बात है कि सेकेंडरी आयन के प्रोड्यूस होने से जैसे जैसे ये गुजरते जा रहे हैं ये सेकेंडरी आयन पैदा करते जा रहे हैं, तो कुछ तो एक्चुअल आयन थे और कुछ सेकेंडरी बन गए, और इससे एक एवलांची इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस एवलांची इफेक्ट को हम ये इसकी प्रोडक्शन क्या हुई, एवलांची इफेक्ट मीन के अब्रप्ट प्रोड्यूस हो जाना, अब्रप्टली किसी चीज का आ जाना, तो आयन्स चूंकि यहाँ अब्रप्टली रैपिडली जनरेट हो रहे हैं, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एवलांची इफेक्ट। तो ये असल में यहाँ पर ये मसला होता है कि रेडिएशन के पास होने से जो आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो रहे हैं, वोल्टेज के ज्यादा होने की वजह से वो तेजी से मूव करते हैं, और तेजी से मूव करते हुए वो मजीद एटम को आयोनाइज करते हैं, लिहाजा सेकेंडरी आयोनाइजेशन होती है। प्राइमरी आयोनाइजेशन इज ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रो रेडियोएक्टिव रेडिएशन, बट सेकेंडरी रेडिएशन इज ड्यू टू वोल्टेज। तो इस वजह से यहाँ पर आयन जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, जितने रेडिएशन ने क्रिएट करने उससे भी ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये जो ज्यादा बन रहे हैं ये प्रपोर्शनली बनते हैं। अगर दो आयन जनरेट हुए हैं तो उन दो ने उसी हिसाब से आयन पैदा करने हैं, अगर 10 आयन पहले जनरेट हुए तो 10 ने उसी हिसाब से पैदा, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी है। सो यहाँ पर हम काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट काउंटर इज प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर ये भी गैस फील्ड डिटेक्टर है बट इट इज अ प्रोपोर्शनल काउंटर, क्योंकि इसमें आयन में प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। इसके बाद हम फोर्थ रीजन की तरफ चलते हैं, और वो है लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में प्रोपोर्शनैलिटी तो है बट कंप्लीट एग्जैक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, लिमिटेड है। मतलब ये कि वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के इंक्रीज होने से जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि प्रोपोर्शनल से भी बढ़ गए, और अब प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रही, और इनको डिटेक्ट करना जो है डिटेक्ट करने से एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, सो ये रिलायबल मेजरमेंट नहीं है और इसको हम यूज नहीं करेंगे। अब रिलायबल क्यों नहीं, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि रेडिएशन ने जो आयन प्रोड्यूस किए हैं पोटेंशियल की वजह से और आयन प्रोड्यूस हुए प्रोपोर्शनल हो गए, लेकिन वोल्टेज अब प्रोपोर्शनल से ज्यादा है, सो कुछ आयन प्रोपोर्शनल नए और आयन
टर्शरी आयनाइजेशन करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी। इस वजह से इस रीजन में हम कोई भी डिटेक्टर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो ही हम जाते हैं फिफ्थ रीजन में तो वहाँ पर फिर रिलायबिलिटी आ जाती है। कैसे आती है इसको ज़रा समझना होगा। इसको समझने के लिए ये है कि सबसे पहले हमने जो रेडिएशन एंटर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट किए, फिर वोल्टेज तो हाई है, बहुत ज़्यादा है, उन आयन ने सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, सेकेंडरी ने टर्शियरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, और इस तरह एक 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 एवलांची इफेक्ट क्लियर नजर आएगा, बहुत बड़ा होगा। और ना सिर्फ उनके आयन के आयन की आयनाइजेशन, जो प्रोड्यूस आयन है प्राइमरी या सेकेंडरी, उनकी आयनाइजेशन से ना सिर्फ आयन पैदा होंगे, बल्कि आयन जब मूव कर रहे हैं तो गुजरते हुए बाकी एटम को अगर आयोनाइज ना कर सके तो ऑक्साइड करेंगे, और उनकी डीऑक्साइडेशन से जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वो आगे जाके फोटोन मिलकर वो भी आगे आयनाइजेशन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर ये होगा कि कोई भी गैस अगर एंटर हुई है तो वो एक लिमिट तक मैक्सिमम जितने आयन प्रोड्यूस कर सकते थे कर रहे हैं। मतलब अगर अगर कोई भी रेडिएशन एंटर हुई है और उसने 10 आयन प्रोड्यूस किए हैं तो 10 आयन के प्रोपोर्शनल एक खास अमाउंट ऑफ आयन बनेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा पावरफुल रेडिएशन एंटर हुई है तो उस हिसाब से आयन ज्यादा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई रैंडमनेस होगी और वो रिलायबल नहीं मेजरमेंट होगी, बल्कि मेजरमेंट रिलायबल होगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि जहाँ रेडिएशन चाहे कोई भी किसी किस्म की, अल्फा बीटा गामा कोई भी रेडिएशन हो, सारी की सारी हमें डिफरेंट नजर नहीं आती, सारे के सारे का रिजल्ट एक जैसा मिलता है, मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर दो रेडिएशन एंटर, अगर अगर आप अल्फा रेडिएशन को एंटर करते हो या बीटा गामा को, हमें हम उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, जबकि आयनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर में उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अल्फा रेडिएशन जो है उनकी उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बीटा की कम, तो जिस वजह से अल्फा रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आयन जनरेट करेंगी। तो ये आपको जो प्रोपोर्शनल लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन से पहले दो कर्व नज़र आ रहे हैं वो एक अल्फा की और बीटा की, यानी दो मुख्तलिफ कर्व जो है वो आपको मुख्तलिफ, ये वाले ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, या आप ये समझ लें कि अगर आपने पोटेंशियल को चेंज किया है तो ये पहले वाले जो रेडिएशन एक है ये बीटा पार्टिकल की है, और ये नीचे वाली बीटा पार्टिकल की और ऊपर वाली अल्फा पार्टिकल की है। तो प्रोपोर्शनल इन काउंटर्स में ये होता है कि जैसे जब प्रोपोर्शनल काउंटर और आयनाइजेशन चैम्बर में जैसे जैसे आप लोग इन इन में वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अल्फा बीटा रेडिएशन को, जबकि जीएम काउंटर में आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो आपको एनर्जी जो है वो एक जैसी मिलती है, क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा है, चाहे अल्फा रेडिएशन एंटर हो बीटा या गैमा, हर एक आप किसी आयनाइजेशन तकरीबन एक ही तरह की होती है, जिससे एनर्जी एक ही किस्म एक ही तरह का एक जैसा क्रांति हासिल होता है। सो आप इंटेंसिटी को मेजर कर लेते हैं लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब अगर नेक्स्ट जो सिक्स रीजन है उसमें ऐसा होगा कि जो ही रेडिएशन एंटर होंगी वोल्टेज इतना ज़्यादा है कि अब रेडिएशन की आयनाइजेशन के अलावा वोल्टेज की वजह से ऑटोमेटिकली गैस आयोनाइज होगी, लिहाजा वोल्टेज जो रेडिएक्टिव रेडिएशन उन्होंने भी आयनाइजेशन क्रिएट करनी है, साथ साथ वोल्टेज की वजह से गैस भी आयनाइज होगी, और इतने ज़्यादा पेयर जनरेट होंगे कि वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वोल्टेज की वजह से गैस ऑटोमेटिकली आयनाइज होती जा रही है, एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम को छोड़ रहे हैं उस फील्ड की वजह से, जो फील्ड हमें सोर्स प्रोवाइड कर रहा है गैस को। इस वजह से ये कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज है, इसको इस रीजन को हम कहते हैं कि यहाँ पर चाहे रेडिएशन कम एंटर हों या ज़्यादा एंटर हों, आप लोग डिस्चार्ज मुसलसल होगा और बहुत ज़्यादा होगा और रिलायबल भी नहीं है, सो इसको भी मेजर हम नहीं करते। और अगर हम वोल्टेज इसमें बढ़ाते जाते हैं तो फिर जो काउंटर हैं ये डिटेक्टर जो हमारे डिटेक्टर हैं ये डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे रीजन थे, अगर आप लोग इसको देखें इस कर्व को और फिर इन रीजन को, तो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि गैस फील्ड डिटेक्टर जो है इनका वर्किंग कंस्ट्रक्शन हर चीज़ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है अप्लाइड वोल्टेज का। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे काउंटर जो है डिटेक्टर जो है उनकी टाइप जो है उसमें चेंज आती जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। ओके, मैं यहाँ इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।